भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो मेरे लिए काफी जरूरी है कि मैं यहाँ इससे जुड़े लोगों से मिलूं। आज मैं पूर्व भारत के बिहार राज्य में हूँ और आज मैं यहाँ राजेश रंजन से मिलने वाली हूँ। ये एक राजनेता है, सांस्कृतिक संरक्षक और एक फूडी भी। वो मुझे ये जगह दिखाएंगे और साथ ही पारंपरिक खाना और कुछ भुलाई हुई डिशेस भी सिखाने वाले हैं। मिस्टर रंजन से मेरी मुलाकात बिहार में हुई। मैंने शहर में काफी सारा वक्त बिताया था, तो यहाँ इस शांत जगह और हरियाली में आना वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा। हम चावल के खेत में मिले और मैं जानती हूँ कि चावल इस क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनाज है। मिस्टर रंजन ने मुझे एक पारंपरिक गाना गा के भी सुनाया। वो यहाँ की संस्कृति को महफूज रखने में दिलचस्पी लेते हैं। हमने बैलगाड़ी पे गाँव के सौंदर्य का लुत्फ उठाया, जिसको दो बैल खींच रहे थे। मैं शायद पहली बार भारतीय गांव की खूबसूरती को देख रही थी। एक आदमी पटुआ बना रहा था, उसने लंबी लकड़ियों को पानी में भिगोया था और मिस्टर रंजन ने कहा इसे एक महीने के लिए नरम होने तक रखा जाता है, जिसको सुखाकर रस्सियां बनाई जाती हैं। फिर हम उनकी पत्नी से मिले और उनके पुश्तैनी मंदिर में भी गए, जहाँ पर वाकई बहुत शांति थी। के हर घर में पालतू जानवर होते हैं, खास करके गाय, और इस क्षेत्र में आज भी गाय का दूध हाथों से निकाला जाता है, ना कि मशीन से। तो सर शायद मुझे ये तरीका सिखाने वाले हैं, मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ। दूध का तो महत्व जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। दूध से दुनिया की सारी चीजें, बहुत सारी चीजें बनती है, जो दूध स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और इसको अभी मैं दूता हूँ, ये कम से कम 10 लीटर से ऊपर दूध देती है ये गाय। आपको मैं बताता हूँ कि दूध स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। यू ट्राई? जी बिल्कुल। वेरी गुड, कम एंड यू ट्राई। ठीक है। लुक, यू टेक इट हियर। बिल्कुल नहीं हो रहा है। यू ट्राई। ओके। ये जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। लेस यू गो टू लंदन एंड दिल्ली तो वन ड्रिंक इन वन ग्लास बिकॉज इट्स अ वेरी हेल्दी बट यू ड्रिंक इट ग्लास टेक इट। थोड़ा गर्म है। वेरी वार्म, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे दूध पीना बहुत पसंद है, लेकिन मैंने कभी इस तरह से गाय का दूध निकाल के नहीं पिया। इलाके में गोबर को घास और पटुए के साथ मिलाया जाता है और खाना पकाते वक्त ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हमने पहले भी किया था। तो आज मैं इसे बनाने की कोशिश करूंगी। क्या मैं शुरू करूं? ओके। मुझे यकीन है ये बढ़िया ईंधन होगा, लेकिन इसे बनाना आसान नहीं है। मैंने कभी गोबर नहीं मसला था। एक्सपर्ट बनने के लिए थोड़ी और प्रैक्टिस जरूरी है, लेकिन मेरा बनाया हुआ भी शायद चल जाए। क्यों? मिस्टर रंजन संस्कृति के संरक्षक हैं और खाने के भी, और कई परंपराओं को जिंदा रखना चाहते हैं, जैसे कि हाथों से गाय का दूध निकालना।
मुझे पता है कि कई इलाकों में अब ये मशीनों से किया जाता है, पर मुझे ये बहुत जरूरी लगा कि मैं इसे खुद अपने हाथों से करूं। ग्वालों को दूध निकालता देख शायद आसान लगे, और मुझे लगा गाय का दूध निकालना मेरे लिए बहुत ही आसान होगा, लेकिन जब मैंने शुरू किया तो दूध नहीं निकला और सब हंसने लगे। और उनके सही तरीके से सिखाने पर मैं एक ग्लास दूध निकाल पाई जो थोड़ा सा गर्म था। मुझे दूध पीना बहुत पसंद है, लेकिन गाय का दूध खुद निकाल कर पीना एक अच्छा अनुभव रहा। दूसरी बात जो मैंने सीखी वो था गोबर से ईंधन बनाना। पहले हम गोबर को मलते हैं, फिर उसमें घास डालते हैं और पटुआ मिलाकर उसे सुखाते हैं। पहले मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बाद में मुझे बहुत मजा आया। ये बहुत ही अलग अनुभव था। अपने दिन की शुरुआत पारंपरिक बिहारी ब्रेकफास्ट से करेंगे, जो आजकल इस इलाके में इतना नहीं खाया जाता है। हमारे पास यहाँ चूरा है जो चावल से बनाया जाता है, थोड़ा दही है, थोड़ा गुड़ भी है जो गन्ने के रस से बनाया जाता है। आपको मुझे इसे खाने का तरीका बताना पड़ेगा। यहाँ ये आसानी से मिलने वाला सामान्य लोगों का नाश्ता है, खास करके बिहार का और मिथिला का भी। और अगर आप ये नाश्ता करते हैं तो पाचन के लिए बहुत भारी होता है। ये जो दही आप देख रहे हैं ये प्योर दूध से बना हुआ है, और ये चूड़ा चावल से बनता है। चूड़ा दही पाचन के लिए भारी होता है। गांव के लोग इसे सुबह खाना पसंद करते हैं ताकि पूरा दिन वो खेत में काम कर सकते हैं और सीधा बाद में शाम को खाना खा सकते हैं। मतलब इसे खाने के बाद ज्यादा भूख नहीं लगती है। हाँ, और आप रह सकते हैं। अगर आपको 6-7 घंटों तक कुछ नहीं खाना है तो आप दही चूड़ा खा सकते हैं, फिर आपको भूख नहीं लगेगी, बिल्कुल भी नहीं। चलिए अब हम लोग नाश्ता करते हैं। पहले चूड़ा और फिर ये थोड़ा सा दही मिलाना है। खड़ है काफी, आपको मिक्स करना पड़ेगा साथ में। या या हाँ ठीक है, दोनों हाथ नहीं, नहीं आप एक हाथ से मिला सकती हैं। वन हैंड्स, ये गुड़ है काफी, जो मैंने बताया आपको कि गन्ने से ये गुड़ बनते हैं। काफी गांव में पहले ये गुड़ ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पोटैटो, ये इसको आलू दम कहा जाता है। ये आलू से बनता है। ये चूंकि ये उनके साथ दही और मीठा के साथ ये काफी नमकीन है, और आमतौर पर इसे चूड़ा और दही के साथ परोसा जाता है इसका जायका बढ़ाने के लिए। और ये मिर्च है, नमक ये मुझे खानी पड़ेगी। हाँ, मिर्च आपके सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, और दिन में आपको एक तो खाना चाहिए। सुपाच के लिए भी काफी है, सुपाच करता है इसको। तो यहाँ मीठा और नमकीन दोनों है। हाँ बिल्कुल, आपको इसे थोड़े नमक के साथ और दही के साथ मिलाकर खाना होता है इस तरह। ओके, मिक्स कर ट्राई कीजिए। स्टोरी इन इंडिया, मिक्स मिक्स। कैसा लगा? ये बहुत ही अच्छा है। अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया। चावल का स्वाद बहुत अच्छा आ रहा है, दही का खट्टापन भी है और साथ में गुड़ की मिठास भी। दम आलू का स्वाद इसमें बहुत अच्छे से घुल मिल गया है, और गुड़ की मिठास भी। तो अब मुझे मिर्च खानी होगी। हाँ, हाँ, ठीक है। ये बहुत तीखी है। काफी जलन हो रही है। हाँ बिल्कुल, बेहद तीखा है आपने। ओह, ये मेरे लिए बहुत तीखा है। वाकई बहुत तीखा। हाँ तीखा है। पहले जमाने में ये नाश्ता बिहार के हर घर में पाया जाता था, मगर अब ये भुलाया जा रहा है। नाश्ता खत्म होते ही हम इस जगह की दो और डिशेस बनाने वाले हैं, जो यहाँ की पारंपरिक डिशेस हैं। मैं मिस्टर रंजन से खूबसूरत बिहार में मिली। मैंने शहर में काफी सारा वक्त बिताया था, तो यहाँ इस शान जगह और हरियाली में आना वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने साथ मिलकर नाश्ता किया और हमने दही चूरा खाया, जो दही और गुड़ के साथ खाया जाता है। वो वाकई बहुत लजीज था, मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा पेट भर चुका था।
मिस्टर राजेश रंजन खाना बनाने की तैयारियों में व्यस्त है, तो मैं यहाँ गन्हारी साग लेने आई हूँ जो यहाँ पर उगाया जाता है। मैं इसे जरा सा खा के देखती हूँ। इसका स्वाद इतना तेज नहीं है, मगर मुझे पता है ये बदलेगा। हम यहाँ इस खूबसूरत गांव में बिहार के एक पारंपरिक डिश बनाने वाले हैं, जिसका नाम है गन्हारी साग। इसके लिए चाहिए सरसों का तेल, गन्हारी साग के पत्ते, इसे हम पारंपरिक चूल्हे पर पकाएंगे, और ईंधन के लिए गोबर। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये चूल्हा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जो चूल्हा है ना, ये चूल्हा हमारा ट्रेडिशन है, पुराना चूल्हा हमारी परंपरा से जुड़ी हुई है। पहले गैस नहीं था, बिजली नहीं था। हमारा जो खाना है, ये पूरे बिहार का जो खाना पकता था वो चूल्हा पर था। सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत अच्छी, मतलब इसको किसी तरह के कोई खर्च नहीं, मिट्टी से चूल्हा बन जाना। और दूसरी चीज़, जहाँ तक ये जो गोबर से, ये गोबर को पात के उसको धूप में उसको दे दिया जाता है सूखने के लिए, पाता जाता है छोटा 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 गोबर, और वो जो सूखता है तो फिर सूखने के बाद वो चूल्हे में वो आग का काम करता है। आप देखिएगा कि जहाँ धुआं होगा ना, वहाँ पर आपको किसी भी तरह के मच्छर, किसी भी तरह की मक्खी, किसी भी तरह की चीजें वहाँ नहीं बैठेगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हमको बहुत ही सस्ते रूप में सभी चीजें, मतलब बिना किसी कम खर्चों में हर चीज उपलब्ध है गांव में, समाज में, और हर व्यक्ति चूल्हे पर खाना बना करके खाता है। ओके, मैं बनाना शुरू करता हूँ। गन्हारी का ये साग है, इसको निश्चित रूप से समझता हूँ कि आज हम घी के बजाय इस्तेमाल करेंगे सरसों का तेल। मसाले डालने से पहले तेल का गर्म होना बहुत जरूरी है। ये डिश कितनी पुरानी है? ये पांच फोड़ना है, ये पांच फोरन इसमें डाल के बहुत ही इसका महत्व है। पांच फोड़ना डाला जाता है, और फोड़ने के बाद हम मिर्च डालेंगे, चिली डालेंगे, उसके बाद साग। ये है तो साग जो है, ये जो कितना पुराना है ये उतना महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि यह साग जो है, ये साग बहुत ही पौष्टिक है, ये ब्लड पैदा करता है, शरीर में ये ताकत देती है, और आम से खास लोग इसको अवेल करते हैं, खाते हैं। लागत है वो बहुत कम है, और इसको खरीदने में भी जो खर्च है वो बहुत कम है। और दूसरा चीप इस बेस में है कि सभी, मतलब आम लोग, गांव में किसान या छोटे मध्यम वर्ग के जो मजदूर हैं, वो भी यदि उनके पास छोटी सी खेत है, उसको बाड़ी कहा जाता है हम लोग के यहाँ, पीछे में बाड़ी है, छोटा खेत है, तो उसमें भी तरह तरह की सब्जियां उपजाते हैं, तो साग भी उसमें पैदा कर लेते हैं। उससे होता क्या है कि महीने दिन, दो महीने, तीन महीने उनका साग चल जाता है, और साग से वो, मतलब उसके पास यदि अर्थ का अभाव हो, उसके पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, तो इन सागों को भी खा करके वो, इन सागों को भी खा के वो अपनी अपने जीवन को गुजर बसर कर सकते हैं। अब आगे क्या करना है? यह नेक्स्ट, अब मैं इसको नमक डालूंगा। अच्छा, नमक डालना है। सॉल्ट है, इसको नमक डालने के बाद। तो ये खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ही पौष्टिक है। और उसके बाद हम इसको जीरा डालेंगे, जीरा थोड़ा सा डालते हैं। जीरा ये काफ़ी टेस्ट को लाता है, स्वाद को पैदा करता है जीरा। और जीरा के बाद जीरा, उसको धनिया, ये भी स्वाद को बनाने में, स्वाद फैलाने में धनिया का भी बहुत महत्वपूर्ण, मानो उसको टेस्टी बनाता है किसी भी सब्जी को, किसी भी साग को। ये बहुत ही, मतलब स्वादिष्ट बनाने में कॉपरेट करता है। अगर यहाँ के किसान और स्थानीय लोगों के पास जमीन हो तो इसे वहाँ पर उगाया जा सकता है। ये बहुत ही पौष्टिक है और खेतों में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके बगल में मिर्च भी उगाई जा सकती है, जो बहुत अच्छा जायका देती है। इसको, इनको बनाने में बहुत प्रॉब्लम नहीं है। हमने पहले, मैं इसमें तेल, दो चम्मच से डेढ़ चम्मच तेल लगते हैं, नमक और चार पाँच मिर्च, और बहुत जल्दी में, बहुत ही इसको, क्योंकि चूँकि ये
साग एक ऐसी चीज है जो सलाद में भी साग को डाल के खा लेते हैं। मूली का पत्ता होता है वो भी साग है, उसको भी मूली के पत्ते को भी साग के रूप में खाया जाता है। इसलिए इसको बनाने में ना तो बहुत ज्यादा सामान लगता है, ना मसाला लगता है, ना किसी भी चीजों की जरूरत पड़ती है। नमक तेल मिर्च डाल करके और थोड़ी सी टेस्ट के लिए स्वाद के लिए धनिया या जीरा डालें और उसके बाद ये 10-15 मिनट में बन करके साग तैयार हो जाता है। गन्हारी साग अब तैयार हो चुका है और हम इसे खाने वाले हैं केले के पत्ते पर, जिसमें खाने का मजा ही कुछ अलग होता है। ये बन के काफी तैयार है और आप इसको खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट है। ये बहुत ही अच्छा है सच में। पहली डिश जो मुझे मिस्टर रंजन ने सिखाई उसका नाम था गन्हारी साग। हमने उसे एक चावल के खेत के बगल में पेड़ के नीचे बिना हमारे जूतों के बनाया। हमने पारंपरिक चूल्हे पर पकाया जिसमें गोबर का इस्तेमाल होता है, जो कि यहाँ का एक पारंपरिक तरीका है खाना बनाने का। मैंने खुद ही गन्हारी साग खरीदा और वो बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक था। मिस्टर रामजन ने मुझे बताया कि इसे खूब खाया जाता है और यहाँ के किसान इसे पूरे दिन भर के पोषण के लिए खाते हैं। हमने घी के बजाय सरसों के तेल का इस्तेमाल किया, जो मेरे लिए एक अच्छी बात थी क्योंकि मैंने कभी भी सरसों के तेल में खाना नहीं पकाया था। साथ ही मैंने ज्यादातर मांसाहारी डिशेस बनाई हैं, तो इस शाकाहारी डिश को सीखना एक बहुत अच्छा अनुभव था। अब हम थोड़ा रोल रिवर्सल करने वाले हैं और मिस्टर रंजन मुझे कद्दू और अलसी की सब्जी बनाना सिखाने वाले हैं। हम पारंपरिक चूल्हे का इस्तेमाल करेंगे। अब तक मैंने काफी ज्यादा तेल का इस्तेमाल किया है, लेकिन पूर्व भारत में खाना पकाते वक्त ज्यादा तेल नहीं डाला जाता है, क्या मैंने सही कहा? तेल गर्म हो जाता है उसके बाद हम तेज पत्ता डालते हैं। अब आप डालें, ओके, पुट द चिल्ली, रेड चिल्ली, 4-5 पीस, 4 से 5, ओके ओके ओके, तेल बहुत गर्म है। Only put the, yeah. All the food, all cut it. क्या ये डिश किसी ओकेजन पे बनाई जाती है? नहीं, ओकेजन तो कई है, लेकिन जो सब्जी है ना कद्दू, यह सब्जी गर्मी महीने में खाई जाती है और इसके जो तासीर होते हैं इनके वो बहुत ठंडा होता है, पेट के लिए भी बहुत सात्विक सब्जी है ये सबसे ज्यादा। अब हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, ठीक है? अब फिर क्या दूं? जीरा, ये हल्दी, नमक, जीरा, ओके ओके ओके, आप धनिया, धनिया, ओके ओके ओके। सो इसका जो मैंने कहा कि ये जो कद्दू है, कद्दू दरअसल में काफी ज्यादा देखे गए हैं कि ये एक तो कद्दू बहुत ही पुरानी सब्जी है, ये आम से खास सभी लोग इसको खाते हैं, चाहे वो बड़े लोग हों, कमजोर लोग हों, किसान हों, मिडिल क्लास के लोग हों, सभी लोग इसको यूज करते हैं। इसके कारण है कि ये स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद है और सात्विक सब्जी इसको माना जाता है। अब हम इसकी मुख्य सामग्री डालेंगे जो है अलसी, तकरीबन 3 चम्मच, फुल फुल 3 बड़े चम्मच, क्या ये डिश होटल्स या रेस्टोरेंट्स में मिलती है? ये होटल में, 5-स्टार होटल में इसको बहुत कम देखा गया है या अन्य होटलों में बहुत कम देखा जाता है। जो गांव वाले शहर हैं, जो बगल के शहर है, वहाँ तो कद्दू हो सकता है मिल जाए, किसी के कद्दू, लोकल कद्दू, लेकिन आप यदि बड़े शहरों में जाएंगे तो वहाँ कद्दू नहीं मिलता। दूसरा, इसका कद्दू का सबसे बड़ा महत्व यह है कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा हिस्टोरिकल
पर्व है वो है छठ, जिसको बहुत पवित्रता के साथ लोग मनाते हैं। तो छठ में कद्दू भात का खरना, उसको छठ के पहले खरना भात खाया जाता है, उसमें कद्दू भात खाया जाता है, खरना खाया जाता है। तो कद्दू का बहुत महत्व है उसमें, उस पर्व में सबसे मतलब बड़ा महत्व है कद्दू भात का, हमारी माँ के लिए, बहनों के लिए जो छठ करती हैं उसके लिए बहुत महत्व है। इसे बनाना इतना मुश्किल नहीं था, लगता है ये तैयार है, तो चलिए इसे चक्कर देखते हैं। तो अब मैं इसे खाने के लिए तैयार हूँ। ये थोड़ा मीठा है। स्वाद में अच्छा है, अलसी की वजह से ये क्रंची बन गया है। मिस्टर रामजन शाकाहारी है और उन्होंने मेरे स्वागत के तौर पे मुझे एक शाही लंच दिया, जिसमें तकरीबन 20 डिशेस थी, जैसे कि आलू की सब्जी, केले की करी और बैंगन की सब्जी। सारी डिशेस बहुत ही लजीज थी। इतनी सारी लजीज डिशेस का बुफे मुझे बहुत पसंद आया। मैंने पेट भर के खाना खाया, शायद उससे भी थोड़ा और ज्यादा। बिहार में मेरा वक्त बहुत अच्छी तरह से बीता। मेरे लिए बहुत जरूरी था कि मैं उन लोगों से मिलूं जो खाना बनाने की परंपराओं को आज तक संजोकर रखे हुए हैं। चूल्हे पर डिश बनाने से पहले उसकी सामग्री खेतों में जाकर खुद लाना मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ कई मजेदार लोगों से मिली और इनके जीवन से प्रेरणा लेना वाकई बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे हमें काफी कुछ सीखने का मौका मिलता है। फिर मिलेंगे क्वेस्ट में सिर्फ ट्रैवल एक्सपी पर।